नारायण राणे द्वारा मुख्यमंत्री का किया गया अपमान यह महाराष्ट्र का अपमान है, इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई कितना भी बड़ा हो, कानून से बड़ा कोई नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता और अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में बीजेपी ने हिंसक राजनीति का सहारा लिया। नवाब मलिक ने भी साफ संकेत दिया है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जिस तरह से माहौल को अस्थिर करने का काम किया है, उसी तरह से महाराष्ट्र में हिंसक माहौल बनाने का काम कर रही है। ज्या पद्धति ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे मुख्यमंत्र्यांच्या बद्दल भाषेचा वापर करता है, कानाचे खाली वाजवण्याची भाषा वापरता है, हे नुसतं मुख्यमंत्र्यांचा अपमान नाही, महाराष्ट्राच्या जनतेचा अपमान आहे। हे कधी सहन होऊ शकत नाही। लोकांना कळलं पाहिजे की कायदेपेक्षा कोणी मोठा नाही। कितीही मोठा व्यक्ती असेल, निश्चित रूपाने कायदेशीर कारवाई होतील। भाजपने ज्या पद्धतीने वेस्ट बेंगॉलमध्ये हिंसक राजकारण सुरू केलं, वातावरण बिघडवण्याचं काम केलं, तेज राजकारण या महाराष्ट्रामध्ये ते करू इच्छित आहे, पण महाराष्ट्राची जनता ते स्वीकारणार नाही। आणि ही भाषा, हा राजकारण हे महाराष्ट्र कधी स्वीकारत नाही, हे भाजपला कळलं पाहिजे। आणि कोणी कितीही मोठा असेल, त्यांच्यावर कारवाई होते। नारायण राणे की भाषा अशोभनीय है। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि बीजेपी को पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र इस भाषा और इस राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।